दोस्तों क्या आप इस तरीके से अपनी टी शर्ट, बनियान या फिर किसी और चीज़ पर प्रिंट करना चाहते हैं? अगर आप भी इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी सब्लिमेशन पेपर की, जिसको हम टी शर्ट ट्रांसफ़र पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का पेपर आपको मिल जाएगा A4 साइज़ में। ये मैंने कट कर रखा है क्योंकि मेरा मीटर जो था वो इसी के साइज़ का था। तो ये आपको मिल जाएगा A4 साइज़ में। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन से आप मंगा लीजिए। तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 200 रुपये का या 199 का, जिसके अंदर आपको 5 सीटें मिलेंगी A4 की। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर जो प्रिंट करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है प्रेस। ये देख लीजिए जो प्रेस होती है हमारी, जिससे हम कपड़े के ऊपर प्रेस करते हैं, ये प्रेस होनी चाहिए आपके पास। तो बस आप इन दो चीज़ों की सहायता से अपने किसी भी टी शर्ट या बनियान या फिर किसी और चीज़ पर प्रिंट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से इसको प्रिंट किया जाता है। और हाँ, प्रिंट करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक टाइमिंग का, जब आप प्रेस इसके ऊपर फेरेंगे तो प्रेस इसके ऊपर फेरते समय सबसे पहले आप अपनी प्रेस को जितनी जहाँ तक उसकी लिमिट है गर्म होने की, उसको पूरा ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्रिंट होकर ये आपके सामने आएगा। दूसरी बात, टाइमिंग की आपको ज़रूरत होगी। टाइमिंग आप 6 से 7 मिनट या 5 मिनट रख सकते हैं, वो पेपर के एतबार से होता है। इसमें पेपर की क्वालिटी आती है, अगर हल्का पेपर है, जो मैंने यूज़ किया है ये बिल्कुल हल्का नॉर्मल पेपर है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप 5 मिनट या फिर 6 मिनट या 7 मिनट लगा सकते हैं टाइमिंग, यानी प्रेस जब फेरेंगे आप तो 5 मिनट तक या फिर 6 मिनट तक आप प्रेस फेर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में दिखाते हैं आपको लाइव के किस तरीके से आपको ये सब करना है इसके ऊपर प्रिंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा पेपर है टी शर्ट ट्रांसफ़र पेपर। अब मैंने इसके दो डिज़ाइन बना रखे हैं, ये देख लीजिए, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। मैं इसको कट कर लेता हूँ बीच में से, क्योंकि मुझे दो जगह प्रिंट करना है अलग अलग, तो मैं इसको उसी एतबार से कट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, ये इंग्लिश में मैंने लिखा है चौहान कंप्यूटर और यूट्यूब का लोगो और यूट्यूब। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, जब आप इसको ऊपर इसको सेट करें थोड़ा ध्यान ये भी दें, ऐसा ना हो कि आप इसको और तरीके से रख दें। ये देखिए, हमने इसको जैसे बताया है मिरर निकाल रखा है, उल्टा इसको निकाला है और उल्टा ही आप इसको सेट करेंगे ऐसे। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे सेट कर दें और फिर जब आप इसको उतारें तो फिर देखें कि ये इस पर उल्टा उतर चुका है, तो इस बात का ध्यान रखें और अच्छे से सोच समझने के बाद कि हमारा किधर से किधर सीधा बैठ रहा है तब प्रिंट करें इसको। ऐसा नहीं कि आप उल्टा सीधा रखें फिर प्रिंट कर दें और फिर प्रिंट होने के बाद आप देखें कि प्रिंट कैसे करना था और ये प्रिंट कैसे हो चुका है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये देख लीजिए, ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया और अब दोबारा से हम ये पेपर सेफ्टी के लिए लेते हैं ऐसे ही। इस पेपर को लेने की ज़रूरत नहीं है, ले भी सकते हैं ले भी नहीं सकते, बस इसका लेने का फ़ायदा ये है कि जब आप इसमें प्रेस के को इसके ऊपर फेरते हैं तो थोड़ा जो इसके अंदर पन्नी का जो जिस तरह पन्नी है इसके अंदर थोड़ी सी साइड में ये एक तरह से पन्नी होती है, तो ये अच्छी तरीके से इस पर प्रिंट हो जाती है। ये देख लीजिए, और हमारी प्रेस भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। तो शुरू करते हैं इसको, 5-6 मिनट दिखाएंगे। इसको थोड़ा दाब के ही रखना है आपको, बस इन चीज़ों का ध्यान रखें, इंशाल्लाह बेहतरीन प्रिंट होकर आएगा आपका। तो दोस्तों इसको 6 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, हम इसके ऊपर प्रेस बराबर फेर रहे हैं, प्रेस बिल्कुल हमने फुल खोल के रखी है, फुल ऑन कर रखी है, जहाँ तक इसकी लिमिट है उसको पूरा हमने ऑन कर दिया है। तो देखते हैं हमारा प्रिंट, सबसे पहले हम प्रेस का स्विच निकाल देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब देखते हैं
दोस्तों इसको एकदम पकड़कर एकदम से उतार देना है, ताकि अगर आप धीरे से उतारेंगे तो इसमें कट आ जाएगा बीच में। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर प्रिंट आ चुका है, देख करीब लाके दिखाता हूँ, बिल्कुल क्लियर प्रिंट होकर आ चुका है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी दूसरी साइड है, इस साइड में भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो बस मैं इस वीडियो को कट करता हूँ और लास्ट में ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये प्रिंट होता है हमारा। तो दोस्तों इसको तकरीबन 5 मिनट मैंने दिखाया है, ताकि 5 मिनट के अतबार से भी हमें पता चले कि क्या हमारा प्रिंट होकर आता है कि नहीं। तो देखिए प्रेस हटाते हैं और प्रेस का मैं स्विच निकाल के रख देता हूँ एक तरफ, और देखते हैं कि हमारा प्रिंट कैसा होता है कैसा नहीं। और इसको हटाते हैं, उसके बाद इसको हमारे आराम के साथ में उतारना शुरू करके देखते हैं ये उतर पाता है कि नहीं। ये देखिए थोड़ी हल्की सी दिक्कत हुई है, बिल्कुल ज़रा सी, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। ये देख लीजिए क्या ही बिल्कुल बेहतरीन प्रिंट होकर आ चुका है, बिल्कुल क्लियर और ज़बरदस्त प्रिंट होकर हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसको थोड़ा, इसको भी छेड़ेंगे नहीं, और जब आप इसको इसके ऊपर से उतारें तो एक बात का ध्यान रखें, जैसे आप इसको यहाँ से उतारना आपने शुरू किया तो आप हो सके तो इसको ऐसे पकड़कर और एकदम से उतारने की कोशिश करें। अगर आप ये चाहेंगे कि ऐसे इसको थोड़ा धीरे धीरे उतारा जाए ऐसे, तो ये इस तरीके से कट इसके दरमियान में आ जाते हैं। ये देख लीजिए इस तरह के कट इसके बीच में आ जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप उतारें तो इसको एकदम से अच्छे से पकड़कर एकदम इसको उतार दें। तो दोस्तों अब आपको ध्यान क्या करना है, ये देख लीजिए आपको एक सलाह दे रहा हूँ, जब आप पहली दफ़ा प्रिंट करें पहली दफ़ा, तो आप किसी बेकार कपड़े पे ऊपर प्रिंट करें, क्योंकि ऐसा ना हो इस तरीके से जैसे ये मैंने ख़राब किया है सबसे पहला शुरू का, वरना फिर आप भी देखेंगे कि आप महंगे वाले अपने टी शर्ट पर बनियान पर प्रिंट कर लें और प्रिंट करने के बाद वो ख़राब हो जाए, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा प्रिंट करेंगे तो ज़्यादा चांस ख़राब होने के रहेंगे। हो सकता है आप सही प्रिंट कर लें लेकिन फिर भी ज़्यादा चांस ख़राब होने के रहते हैं। ये देखिए मैंने दो प्रिंट किए थे, सबसे पहले जैसा कि देख रहे हैं आप ये दोनों के दोनों ख़राब हो चुके थे, ये देखिए यहाँ पे कट इसमें आ चुके थे और ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ, और ये इसकी तो बात पूछो मत, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, ये कागज़ भी इसके ऊपर से नहीं छूट पा रहा था, इसको धोया धोने के बाद इसका कागज़ छूटा, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए जब पहली दफ़ा प्रिंट करें तो किसी बेकार रद्दी का कोई का कपड़ा, कोई ख़राब कपड़ा पड़ा हो उसके ऊपर प्रिंट करके देख लें, अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि कितना टाइम आपको दिखाना है कितना नहीं। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो बस जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ओके, टेक केयर। गाइज अभी इम्पोर्टेंट बात जो थी वो तो रह गई थी, ये देखिए ये जब आप प्रिंट निकालेंगे इसको, प्रिंट आउट जब देंगे आप, तो नॉर्मल प्रिंट की तरह प्रिंट नहीं करना है, बल्कि ये फ़िलहाल देखिए सीधा दिख रहा है, यहाँ पे आपको अब एक मिरर का ऑप्शन नज़र आता है, ये देखिए उल्टा ई बना हुआ है, इस ई के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए ये यहाँ पर ई बना हुआ है, इस ई पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये हमारा मिरर हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा, और फिर आप इसको प्रिंट की कमान देंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे आप, इसको देख लीजिए अच्छे से, ये देखिए ये उल्टा हो चुका है, अब आप इसको प्रिंट कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट करने के बाद देखिए कैसा है प्रिंट निकलता है, मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, तो ये देख लीजिए इसका प्रिंट आउट निकलना शुरू हो चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों ये देखिए प्रिंट निकलना शुरू हो चुका है, और दोस्तों आपको चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको जो प्रिंट निकालना है वो इंकजेट प्रिंटर से निकालना है, आप कार्ट्रेज वाले प्रिंटर से नहीं निकाल सकते, यानी लेज़र प्रिंटर से नहीं निकाल सकते,
जिस प्रिंटर के अंदर आपकी इंक डलती हो, रोशनी डलती हो, उसी प्रिंटर से आप इसको प्रिंट निकालें, जब ये उतर पाएगा। अगर आप अदरवाइज़ आप वैसे निकालते हैं किसी और प्रिंटर से, कार्ट्रेज वाले से या फिर किसी और प्रिंटर से, तो उससे ये नहीं छप पाएगा, प्रिंट नहीं हो पाएगा। हो भी सकता है लेकिन अच्छा प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो आपको इसको इंकजेट प्रिंटर से ही प्रिंट आउट देना है ताकि प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो पाए और अच्छे से प्रिंट हो जाए। ये देखिए, ये प्रिंट करीब करीब निकल चुका है पूरा, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल रेडी है प्रिंट निकल कर। तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट उसका निकालें और फिर आप छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए अपनी टी शर्ट पर रेडी हों। तो बस गाइज चलते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में बहुत कुछ आज नॉलेज दिया है। तो बस ओके, बाय बाय, टेक केयर।